नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे जिस तरीके से ग्लोबल यहाँ पे दिक्कत है अब स्टार्ट होना चालू हो गई है। डाउ जोन्स नीचे था तो हमारे मार्केट ने भी एक नेगेटिव रिएक्शन दिया और किसी तरीके से 11800 को यहाँ पे होल्ड किया है। तो आज के दिन के सारे अपडेट लेके आए हूँ, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे ग्लोबल क्यूज अब हमारे लिए खराब होने लगे हैं क्योंकि हमारे इंटरनल क्यूज की वजह से तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर से इतना गिर गया है, बट अब ग्लोबल क्यूज भी यहाँ पे नेगेटिव होते जा रहे हैं क्योंकि हर जगह यहाँ पे मंदी की बातें हो रही हैं, रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट देखा जा रहा है ग्लोबल मार्केट पे। दूसरा यहाँ पे जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज ऑलमोस्ट सुबह डाउ जोन्स करीब 350 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग के यहाँ पे संकेत दे रहा था, तो उसी की वजह से यहाँ पे एशिया गिरा और हम भी साथ में गिरे। फाइनली यहाँ पे निफ्टी ने 11800 को थोड़ी देर के लिए तोड़ा था बट सस्टेन करने पे कामयाब रहा और करीब बात करें तो 134 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी करीब 418 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर टॉप थ्री गेनर और लूजर की बात करें तो गेनर में रहा भारतीय एयरटेल, TCS, टेक महिंद्रा। वहीं अगर लूजर की बात करें, लूजर में यस बैंक सबसे ज्यादा गिरा, उसके बाद UPL, उसके बाद टाटा मोटर्स। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे SBI की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 5% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में और यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने अपना प्राइस टारगेट कट किया है। और यहाँ पे ये कट का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो स्लिपेज हुए हैं, यहाँ पे जो नए NPE आए हैं उनके प्रोविजन हुए हैं, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक यहाँ पे SBI के निकल के आए हैं, इसीलिए ये प्राइस टारगेट कट देखा गया है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे कॉक्स एंड किंग की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लगाता और ये सर्किट लगाता है उसके ऊपर जो न्यूज थी वो ये थी कि इन्होंने अपना पेमेंट का डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट किया तो जाहिर सी बात है लोअर सर्किट यहाँ पे लगना तय था। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ई क्लर्क सर्विस की तरफ से, जहाँ पे 6 साल के लो पे स्टॉक पर पहुंच गया है आज करीब 11.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा था क्योंकि Q1 के नंबर के बाद यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज ने इसके रेट यहाँ पे प्राइस टारगेट घटा दिए हैं, तो इसी वजह से ये एक मेजर रिएक्शन देखा गया था यहाँ पे और करीब 11.5% नीचे स्टॉक बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे HDFC की तरफ से, जहाँ पे Q1 के नंबर के बाद यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे स्टॉक को अपग्रेड किया है और काफी स्ट्रॉन्ग नंबर आए थे यहाँ पे, बट स्टॉक में कोई ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे नाटको फार्मा की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 1% के उछाल के साथ क्लोजिंग आई है यहाँ पे और जो खबर आ रही है वो आ रही है कि इनके जो कोठूर फैसिलिटी है उसको यहाँ पे EIR मिल गया है USFDA से, तो एक पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ITC की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक करीब 16 महीने के लो पे पहुंच गया है यहाँ पे और जो नंबर आए थे उसमें जो सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ थी वो काफी घटती हुई दिखाई दी है, इसी वजह से यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे प्राइस टारगेट कटी है और स्टॉक में करीब 1.5% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे स्टरलाइट पावर की तरफ से, जहाँ पे कंपनी प्लान कर रही है अपनी कुछ सब्सिडीज में कुछ स्टेक करीब बेचने के लिए और इसकी जो टोटल वैल्यूएशन आएगी वो करीब 3,000 करोड़ की आएगी, तो देखते हैं कौन खरीदता है, कौन यहाँ पे बायर मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।